हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फायरबोल्ट की एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है फायरबोल्ट वॉरियर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंफर्म लॉन्च डेट और प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। और मैंने फायरबोल्ट एज स्मार्ट वॉच के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने बोल्ट अमो का डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट, कंप्लीशन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो ये आपको फायरबोल्ट ग्लेडिएटर का लुक देखने को मिल जाएगा। मैंने फायरबोल्ट ग्लेडिएटर का डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग किया था, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो सेम वही लुक आपको मिलने वाला है, रेक्टेंगुलर डायल शेप होने वाला है, मेटल फ्रेम की बॉडी हो जाएगी, दो बटन मिलेंगे, एक है सर्कुलर क्राउन रोटेटरी बटन और एक है फ्लैट टैप नेविगेशन बटन, और यहाँ पे आपको सिलिकन का स्ट्रैप मिल जाएगा। तो ओवरऑल वही डिजाइन आपको ग्लेडिएटर वाली मिलने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 1.96 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है, 240x283 का पिक्सल उसका सपोर्ट मिल जाएगा, साथ साथ में 600 nits का पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया और उसी के साथ मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है मिल जाएगा और 8 UI मेनू का सपोर्ट जो है दिया गया। ओवरऑल डिस्प्ले साइज और क्वालिटी भी आपको ग्लेडिएटर वाली ही मिलने वाली। बात करें इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टेक्ट सेव, कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट मिल जाएगा, तो कॉल वगैरह पे आप इस स्मार्ट वॉच से भी बात कर सकते हो। हेल्थ ट्रैकर्स को देखा जाए तो SPO2, रियल टाइम मल्टी मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्रीथ स्टेटस और फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट इसमें भी दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड को देखा जाए तो 123 यानी कि 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। वाटर रिस्क को चेक किया जाए तो IP67 यानी हल्का फुल्का पानी, पसीना, बौछार वगैरह लग जाता है तो चल जाएगा, लेकिन फुली वाटर में आप यूज नहीं कर सकते हो। 7 to 10 डेज का नॉर्मल बैकअप दिया गया। ब्लूटूथ कॉलिंग को हैवी यूज करोगे तो 1 to 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर जैसा फीचर मिल रहा है, इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया, साथ ही साथ में गेम जैसा फीचर भी मिल जाएगा, स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट मिल रहा है, सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन देख सकोगे, कैमरा, म्यूजिक, टॉर्च, अलार्म, D&D, वेदर फॉरकास्ट जैसा फीचर भी आप कंट्रोल कर सकोगे। तो ये कुछ फीचर मिल जाएगा इसी फायरबोल्ट वॉरियर स्मार्ट में। प्राइस को देखा जाए तो अभी कंपनी ने इसकी प्राइस को रखा है 2999 रुपए और इसकी लॉन्च डेट होने वाली है 28 मार्च को। अब देखते हैं कि ये 2999 रुपए में लॉन्च होता है कि उससे कम प्राइस पे लॉन्च होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेडिएटर स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी 2499 रुपए। अगर 2400 में लॉन्च होता है तब यहाँ पे सोच सकते हैं लेना है कि नहीं, लेकिन उससे 1 रुपए भी ज्यादा होता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत बाई करेगा। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट, कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग, टेक केयर, साथ में, तब तक के लिए जय।